आई जितेंद्र शर्मा वर्किंग एज गेस्ट फैकल्टी इंग्लिश इन चौधरी रणबीर सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पत्नीपुर। माय टॉपिक ऑफ टुडेज ऑनलाइन लेक्चर इज लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ मेनी आर लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर फोर various levels of communication. First of all, we take intrapersonal level. What do you mean by intrapersonal level? Actually, in this level of communication, there is an involvement of only a single person. Actually, this level of communication is based upon self-expression, self-concept, etc. Means only a single person thinks as well as single person expresses. We have an example of this level of communication. Suppose if there is a person who is going on the road and we see that he is just thinking about something and he is just behaving by moving his or her hands in this way, just like it. It means he is thinking only about something and his limitations is related only with himself or herself. Only he is personally involved in his thinking and he is making his expressions only himself. Means intrapersonal level of communication mein keval ek hi vyakti khud se hi baat karta hai. हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है और सड़क पर चलते समय वो क्या है कि अपने हाथों को कुछ सोच रहा है और ऐसे ऐसे इधर उधर हाथ हिलाता करता हुआ जा रहा है, तो वो खुद ही किसी बात को सोच रहा है और उस बात के ऊपर अपने हाव भाव दे रहा है। सेकेंड जो हमारे पास है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल लेवल। In this level of communication, there is an involvement of two persons. In this level of communication, two persons are involved. Means, when two persons talk with each other anywhere, two students talk with each other within a class, and even we see that at any public place, there are two persons who are talking with each other. So, these are examples of interpersonal level of communication. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि communication के इस स्तर में दो व्यक्ति भाग लेते हैं, दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। इसमें दूसरा उदाहरण हमारे पास जैसे दो विद्यार्थी क्लास में दो विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं या हम किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाते हैं कि दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो ये इंटरपर्सनल लेवल होता है। इसमें दो व्यक्ति से ज्यादा जो लोग हैं
दो व्यक्ति से ज्यादा किसी भी विषय के ऊपर बातचीत करते हैं। हमारे पास इस लेवल का सबसे बड़ा उदाहरण स्टाफ मीटिंग है। आपने उसमें देखा होगा बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स किसी भी विषय पर अपनी बात रखते हैं। किसी भी कॉन्फ्रेंस हॉल में आप पाओगे कि जैसे कि मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग है, तो उसमें स्टाफ मेंबर्स भी अपनी बात रखते हैं और मैनेजमेंट भी अपनी बात रखती है और डायरेक्टर्स भी रखते हैं। मींस कि इस स्तर में जो भागीदारी होती है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर बहुत सारे लोगों की पाई जाती है। नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज मास लेवल। मास लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज पब्लिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। इट मींस हियर एट दिस लेवल नॉट मेनी ऑफ पर्संस आर एड्रेस्ड। हियर द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली इज ऑकर्ड एट मास लेवल। वी हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस पीपल ऑन दूरदर्शन। व्हाट एवर ही स्पीक्स हिज स्पीच इज टेलीकास्टिंग ऑन दूरदर्शन, वी कैन से एनी अनदर न्यूज चैनल। तो हियर ही इज नॉट एड्रेसिंग टू मेनी पर्सन बट ही इज एड्रेसिंग टू द होल कंट्री। एंड वी हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। द बेस्ट एग्जांपल इज मन की बात। वी नो वेरी वेल दैट विद इन अ मंथ एक्चुअली हिज व्यूज आर एक्सप्रेस्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी थ्रू मन की बात। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज बीइंग कॉल्ड मास लेवल। तो नाउ वी टेक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एज यू नो वेरी वेल दैट कम्युनिकेशन हैज टू ऑफ टाइप्स। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हैज टू फॉर्म्स। फर्स्ट ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज रिटन कम्युनिकेशन। एंड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी मेक यूज ऑफ आवर फिजिकल जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, साइंस एंड सिंबल्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर टुडे वी हैव टू टेक ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। It is a part of verbal communication. In oral communication, whatever we have to express, we make use of teeth or our tongue while delivering our speech. Means ki whatever we have to say to anyone, we make use of spoken words with the help of tongue and teeth. It is being regarded one of the easiest way of communication. Suppose if I have to say something to anyone, I can express my views by speaking, and it is known as direct way of communicating with people. Oral communication में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए हम अपनी जी अपने दांतों की मदद से अपनी बात रखते हैं। अपनी बात को कहने के लिए कहीं पर भी रखने के लिए हम सीधे तौर पर इस फॉर्म का सहारा लेते हैं कम्युनिकेशन। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम कहीं पर भी खड़े हैं और हम यदि किसी व्यक्ति से कोई बात करना चाहते हैं तो हम ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से सीधे तौर पर उसे अपनी बात कह सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन अराइजेस where we make use of this form of communication.
इन एनी सेरेमनी वी टॉक विद आवर रिलेटिव्स थ्रू दिस फॉर्म, वी टॉक विद आवर फ्रेंड्स थ्रू दिस फॉर्म, एंड विद इन अ क्लास वेन टीचर इज इन्वॉल्व इन टीचिंग देन सम स्टूडेंट्स रेज सम क्वेश्चन फॉर देयर पेरी दे मे एक्सेसिव यूज ऑफ स्पोकन फॉर्म. आप जैसे कि जानते हो किसी भी उत्सव में किसी भी समारोह में हमारे रिश्तेदारों के साथ जब भी हम बातचीत करते हैं तो हम ओरल कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं. अपने दोस्तों के साथ जब भी हम बात करते हैं तो हम ओरल कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं. किसी भी कक्षा में जब भी अध्यापक पढ़ा रहा होता है और विद्यार्थियों के दिमाग में कुछ प्रश्न होते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर वो इस फॉरम की मदद से लेते हैं, यानी वो कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्नों का जवाब अध्यापक जो है जो उस समय कक्षा में पढ़ा रहा होता है वो बोलकर ही देता है. नाउ ए क्वेश्चन अराइजेस के बीच आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन. एक्चुअली फर्स्ट इट्स एडवांटेज इज हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड means ki if I have to tell something to anyone then I can mold myself to in accordance to his or her level. Suppose if I am a well educated person and if I go in my village and I find that there are a number of illiterates who are my notes, then I can talk with them by making use of local dialect with them. They can understand whatever is being spoken by me because I know very well that if I will be able to mold myself in accordance to their level, then they will be understand whatever is being actually expressed by me, whatever is being spoken by me. And as a result, there is a possibility of high understanding as well as transparency in my expression. मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हूं. मान लीजिए मैं शहर में रहता हूं, मैं अपने गांव में जाता हूं, तो मैं वहां के लोगों के बीच, मान लीजिए वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उस स्तर की भाषा का इस्तेमाल करके उन लोगों तक अपनी बात रख भी सकता हूं, उन लोगों तक अपनी बात समझा भी सकता हूं. तो ऐसे मैं उनको अपनी बात को अच्छी तरह समझा भी सकता हूं और अपनी बात को पारदर्शिता के साथ रख भी सकता हूं. सेकेंड इज एडवांटेज इज लैक ऑफ एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी. If there will be understanding in the spoken form, surely there will be lack of rigidity, as I know very well that which sort of words, which sort of language I have to make use of, and I can mold my voice, speech in accordance to the level of another person. As a result, there will be no any possibility of digital. जैसा कि मैं जानता हूं, मैं जिस आदमी से बात कर रहा हूं उसको अपनी बात समझाने के लिए, उसके सामने अपनी बात रखने के लिए उसी स्तर के हिसाब से अपनी भाषा को बदल सकता हूं. तो इसलिए किसी भी प्रकार की जो मतलब एक रिजिडिटी जो है विचारों में भी नहीं रही है, स्पॉन्टेनियस फीडबैक. At the spot, while talking with another person, I can get feedback immediately. Suppose which sort of views are expressed by me, then I can ask another person, my dear, whether you have understood or not, whatever is being spoken by me, what is your response? तो मैं
जब दूसरे व्यक्ति से बात करता हूँ तो मैं उससे तुरंत पूछ सकता हूँ कि क्या जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो बात आपको समझ में आई या नहीं आई। क्विक सॉल्यूशन। नेक्स्ट ऑफ इट्स एडवांटेजेस, क्विक सॉल्यूशन कैन बी फाउंड ऑन द स्पॉट। इफ एनी पर्सन इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम एंड ही इज सीकिंग माई एडवाइस related with that problem, then I can suggest him whatever which sort of steps he has to take, and I can find out the solution of the problem related with him. यदि मैं एक व्यक्ति से बात करूं और मुझे वो अपनी समस्या के बारे में बता रहा है तो मैं अपनी बात को रखकर at the spot उसको जो है उसकी समस्या का समाधान दे सकता हूं। Messages actually
विच आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स क्रिएट नथिंग बट बोर्डम इन द माइंड्स ऑफ द लिसनर्स। कई बार एक वक्ता जो लगातार बोलता जाता है उसके बोलने का तरीका जो कि वो तथ्यों के आधार पर नहीं बोलता तो वो सुनने वालों को उसकी बातें जब वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तथ्यों के आधार पर बात नहीं करता तो वो उस जगह को छोड़ देना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसकी बात वो जो भी बात रख रहा है वो बिना किसी महत्व की बात रख रहा है। लैक ऑफ लॉज प्रोसीजर एज दिस लेवल ऑफ एज दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट बेस्ड अपॉन एनी एक्चुअली प्रोसीजर इट हैज नो एनी लॉज। तो इफ एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड इट इज नॉट लीगल दैट्स व्हाई इट हैज नो एनी इंपॉर्टेंस। इस प्रकार की भी सूचना दी जाती है तो इसकी कोई भी कानूनी मान्यता नहीं होती तो इसलिए ओरल कम्युनिकेशन का महत्व खत्म हो जाता है। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट नो डाउट ओरल कम्युनिकेशन हैज सम एडवांटेजेस बट वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट इट हैज सम डिसएडवांटेजेस आल्सो बट इन आवर पब्लिक लाइफ पीपल लाइक टू स्पीक तो बट वी विल हैव टू कीप इन आवर माइंड दिस थिंग दैट व्हाटएवर वी हैव टू से दैट शुड बी इफेक्टिव।